नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि प्रॉपर वे में एसी को रीसेट कैसे किया जाए। कभी कभी हुंडई की गाड़ियाँ में एसी में शिकायत आ जाती है कि जो फ्रंट के एसी वेंट्स होते हैं वहाँ से एयर नहीं आती, वो ब्लॉक हो जाते हैं। सिर्फ एयर पैरों के अंदर आती है, कभी एयर विंडशील्ड से आती है। तो उसका कारण इसका क्लस्टर है, आयोनाइजर क्लस्टर है। तो उसको हम रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए हम ऑफ को बटन को दबाए रखेंगे और उसके बाद इसको रिपीटली 3 बार करेंगे। ये जैसे ये रीसेट हो गया, 00 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एयर कंडीशन एकदम ओके है। अगर यहाँ पर 1 1 2 2 आए तो उसके कोड के अलग अलग मतलब हैं। कोई फ्रंट सेंसर काम नहीं करता, कोई एसी वेंट के सेंसर काम नहीं करते, कोई टेम्परेचर सेंसर काम नहीं करता। सभी के कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसको हुंडई की सभी गाड़ियों में लगभग जिसमें क्लीन एयर लिखा होता है इसमें रीसेट ऐसे ही होता है। वरना में और सोनाटा में, एलेंट्रा में, सभी में ऐसे होता है। रीसेट करने के लिए सिर्फ ओ बटन के साथ और इसको हम रिपीटली दबाएंगे तो ये हो जाएगा। एसी के एरर कोड हैं ये सभी, जो भी रीसेट करने के बाद जो कोड आता है उसका मतलब ही अलग अलग है इनका सभी का। और ये रीसेट करने की प्रोसेस वरना के M20 के, फ्लूडिक वरना के, सोनाटा ट्रांसफॉर्म के, सभी प्रोसेस अलग अलग है। माइनर चेंज है थोड़ा सा बस। और उसके बाद ये एसी कंप्रेसर की साइज़ है, सभी गाड़ियों के अलग अलग कंप्रेसर साइज़ होते हैं उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। हम देखते हैं हुंडई वरना में भी कुछ इस तरह ही रीसेट होता है। ऑफ बटन को दबा के और मोड बटन को रिपीटली दबाते हैं तो ऐसी रीसेट हो जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, एरर कोड 00 है, इसका मतलब एसी नॉर्मल कंडीशन में है, इसमें कोई भी एरर कोड नहीं है।